ये जो पांच गलती अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंटरनेट या बुक से नहीं लिया गया है, बल्कि ये मैंने स्टूडेंट में देखा है और उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ को यूजलेस या उदासी से भरी हुई जिंदगी बना ली है, एक तरह से बर्बादी की ओर जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें मैंने खुद गलती की है, लेकिन मैंने उन गलतियों को सुधारा भी है और आगे बढ़ा है। आपको इस वीडियो को क्यों लास्ट तक देखना चाहिए? इसका कारण ये है कि इसे पूरा वही लोग देखेंगे जो वाकई में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। इस वीडियो में पता चलेगा कि किस वजह से वे पढ़ाई में या करियर में फोकस नहीं कर पाते हैं। ये कॉमेडी वीडियो नहीं है जिसमें आपका टाइम पास होगा, ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। यहाँ आपका टाइम इन्वेस्ट होगा। इसे आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। गलत जगह पर फोकस करना। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वे अपने लाइफ पर फोकस ना करके दूसरों की लाइफ पर फोकस करते हैं। किसी की कमी या किसी की गलती निकालना, लोगों की बुराई करना, इन सब में अपना फोकस बर्बाद कर देते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। क्या हम किसी और की कमी या गलती निकाल कर खुद को सही साबित कर सकते हैं? क्या मेरे अंदर कमी या गलती नहीं है? क्या आपके अंदर कोई कमी या गलती नहीं है? तो क्यों इस बात से नाराज होते हो? हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसकी होनी चाहिए, हमारी या किसी और की? अगर हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए काबिल बनना होगा, तभी तो हम उस चीज को डिजर्व कर पाएंगे। विनर फोकस करता है सिर्फ जीतने पर, लेकिन लूजर फोकस करता है जीतने वाले के ऊपर, और यही हारने वाले की सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए अगर आपको विजेता बनना है तो खुद पर फोकस करो, ना कि किसी और पर। पछतावा करना। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाता है तो कई सारे स्टूडेंट उसी बात का पछतावा करते हुए अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। हमेशा किसी न किसी बात को दिल में लेकर रिग्रेट करते रहते हैं या एकदम से मायूस रहते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ रुक सी गई है। मोबाइल चलाने के बाद रिग्रेट करते हैं तो कुछ गलती हो गई तो उसमें पछतावा करते रहते हैं, या फिर इसी बात को लेकर सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ तो बेकार है, उसकी लाइफ अच्छी है यार, तेरी लाइफ तो अच्छी है यार। क्या आपको पता है कि जब आप ज्यादा टाइम यही सोचने में बिता देते हो कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है और आपके सारे एक्शन नेगेटिव होने लगते हैं। और जब आप अच्छा भी करना चाहोगे तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ नेगेटिव थॉट्स आपके साथ बुरा होने का कारण पैदा कर देगा। बड़े से बड़ा स्पीकर यही कहते हैं, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि जो भी गलती हुआ उससे कुछ सीखो और आगे बढ़ो। अगर आप बीते हुए बातों को सोचते रहते हैं या आने वाले कल की फिक्र करते रहते हैं तो आप वर्तमान में कभी नहीं जी पाएंगे। इस तरह से आप चाह कर भी सफल नहीं हो पाएंगे। अपने ध्यान को हमेशा प्रेजेंट में, अभी में, इसी क्षण में रखो। अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो इंडिया के बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर टॉप एडुकेटर्स आपको बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स के साथ एग्जाम की तैयारी कराएंगे। इसमें फ्री में टेस्ट सीरीज देकर आप अपने एग्जाम की तैयारी को चेक करके अपनी तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप जिस भी भाषा में सीखना चाहते हैं, चाहे मराठी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप अपने चॉइस से अपने लैंग्वेज में सीख सकते हैं। यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके जाइए और फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड ITSIVA10 यूज करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें मेरा रेफरल कोड ITSIVA10 यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। डिसाइड टू लेट। मैक्सिमम स्टूडेंट सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मेरा मतलब है कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं है। और ये बातें ना तो किताबों में पढ़कर कह रहा हूँ और ना ही इंटरनेट से निकाला हूँ, बल्कि एक रियल एग्जांपल है जिसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने पहले भी कुछ वीडियो में कहा है कि लक्ष्य के बिना जिंदगी मुर्दों के समान है। अगर आप 16 या 18 साल से ऊपर के हैं और आप अभी तक बिना लक्ष्य के पढ़ाई कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 12th के बाद सोच लूंगा या कॉलेज कंप्लीट होने के बाद सोच लूंगा, तो आप बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उमर कुरैशी, ये 16 साल का है और इतने कम उम्र में इसने एक साल में ही 50 लाख से भी ज्यादा की इनकम की है। इसने खुद की ऑनलाइन यूनिवर्सिटी खोली है जिसमें 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, और ये वही बच्चा है जिसे बाहर के लोग ही नहीं बल्कि इनके खुद के घर के लोग नाकारा और बेकार समझते थे।
2020 में किड ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली गीतांजलि राव सिर्फ 15 साल की है और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की साइंटिस्ट भी है। इसने 5000 बच्चों को पीछे छोड़कर किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता और टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई। इन्होंने अभी तक साइबर बुलिंग और पानी से लेड का पता लगाने वाली डिवाइस जैसी कई महत्वपूर्ण चीजों का आविष्कार किया है। इसलिए लाइफ में कुछ भी बेहतर करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए उम्र या डिग्री नहीं बल्कि सही समय पर सही लिया गया फैसला मायने रखता है। इसलिए लक्ष्य बनाने के लिए इतना भी समय मत लगाओ कि आपके पास समय ही ना बचे। मैंने MSc की डिग्री पकड़े हुए लोगों को ये कहते सुना है कि अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर कोई इंसान 33 करोड़ देवी देवताओं पर भी भरोसा करता है, गॉड भगवान अल्लाह जिस भी जाति धर्म को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर वो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता है, उसे खुद पर भरोसा नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता। मेहनत बहुत करता है लेकिन खुद पर भरोसा न करने की वजह से वह अपनी जिंदगी में फेल भी हो जाता है। इसकी सिर्फ यही वजह होती है कि उसके दिलो दिमाग में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा शंका होती है, हमेशा डाउट रहता है, कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं पढ़ा हुआ भूल ना जाऊं। या फिर कई स्टूडेंट तो पढ़ने के बाद भी यही कहते हैं कि यार मैं तो भूल जाता हूँ, सामने वाले को देखकर खुद को कमजोर समझने लग जाता है। आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग करने के लिए सही समझ होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आप इस दुनिया में यूनिक पर्सन हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हर इंसान जीनियस है लेकिन सबकी काबिलियत अलग अलग होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति पहले से ही हमारी है, वो तो हम ही है जो इसमें पर्दा डालकर कहते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप किसी डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और आपको हमेशा से डर रहता है कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं, तो पढ़ाई करने का फायदा ही क्या है जब आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है। याद रखना, आपको जॉब कोई डिग्री नहीं दिलाएगी बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको जॉब दिलाएगा या किसी भी क्षेत्र में तरक्की दिलाएगी। आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता दिलाएगी। आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं। बेवजह का डर। डर कई प्रकार का हो सकता है। ये किसी क्लास में फेल होने का डर हो सकता है, किसी से बात करने में भी डर हो सकता है, टीचर से सवाल पूछने का डर हो सकता है, सही टाइम पर सही डिसीजन न लेने का डर हो सकता है, नया करने से डर लग सकता है, या फिर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का डर हो सकता है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर बैठा हो लेकिन ये डर आपको किस तरह से बर्बाद कर रही है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऊपर ऊपर से बोलना कि मुझे डर नहीं लगता है लेकिन अंदर ही अंदर आप डरे हुए हैं। डर सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच में बैठी हुई है जबकि रियल में कुछ नहीं है। पिछली गलती में मैंने बताया था कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो भी बात बैठ जाती है फिर वो ऑटोमेटिक आपके साथ होने लगता है। तो आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड से इस डर को हटाने के लिए वो सब करना चाहिए जिस काम से आपको डर लगता है, क्योंकि जब तक आपका माइंड एग्जांपल नहीं देख लेगा कि इस काम में डरने वाली कोई भी बात नहीं थी, ये तो आसान है, तब तक आपकी सोच से डर नहीं हटेगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले हम सोचते हैं, इसलिए पहले सोचे कि ये काम आसान है, फिर पूरे हिम्मत के साथ एक्शन ले, डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में ये 5 प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है और कौन सी प्रॉब्लम को आप हटाना चाहते हैं, आप दूर करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उसे हटाने का प्रयास जरूर करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। विश ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके जाइए और फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड ITSIVA10 यूज करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है।